हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. द टॉपिक इज क्लाइमेट कंट्रोल. ओके, इस क्लास में हम लोग किसके बारे में जानेंगे? इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में. ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे मेजर एलिमेंट्स हैं जिसके द्वारा क्लाइमेट कंट्रोल होता है. ठीक, देयर इज गिवन दैट देयर आर सिक्स मेजर कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस. मतलब किसी भी स्थान का जो क्लाइमेट है वो छः महत्वपूर्ण एलिमेंट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. एंड फर्स्ट एलिमेंट इज लैटिट्यूड. ठीक है, अब ये लैटिट्यूड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये ग्लोब है. ठीक है, इस ग्लोब पे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं इसको क्या बोलते हैं? ये लैटिट्यूडनल लाइन है. दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूडनल लाइन. ठीक है, तो ये जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे अर्थ पे उसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडनल लाइन. तो होता क्या है, आइए देखते हैं. अवर अर्थ इज कर्व. अवर अर्थ इज कर्व. हमारा अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे कर्व है, झुका हुआ है. ठीक है, कितना झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री. ठीक है, अपने एक्सिस पे हमारा अर्थ 23.5 डिग्री इंक्लाइन है, कर्व है, झुका हुआ है. ठीक, एंड द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरियस टू अकॉर्डिंग टू लेटिट्यूड. ठीक है, अब लैटिट्यूड जैसे मान लीजिए कि हमारा अर्थ इंक्लाइन है. हमारा अर्थ क्या है? हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे झुका हुआ है 23.5. ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे सन है. जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो ये सन है. तो सन का जो लाइट है वो क्या पूरे अर्थ पे समान रूप से पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है. जैसे देखो ये इक्वेटर है तो इक्वेटर हमेशा बराबर सनलाइट प्राप्त करता है. ठीक है, लेकिन इसके अलावा जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट ज़्यादा पड़ रहा है. लेकिन अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात किया जाए तो यहाँ पे लाइट इसमें कम पड़ रहा है. ठीक है, तो लाइट जो है वो कम पड़ने की वजह से, यानी कि प्रकाश कम पड़ने की वजह से यहाँ पे क्या है? हीटिंग कम है. ठीक है, और दूसरी चीज़ कि ये पार्ट जो है ये सन के सामने है, तो ये क्या करता है? ज़्यादा समय तक सन की लाइट को फेस करता है. ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा. और ये पार्ट जो है ये सन के लाइट को कम फेस कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा. तो कहने का मतलब ये है कि हमारा अर्थ सोलर एनर्जी को है ना समान रूप से रिसीव नहीं कर रहा है. ठीक, यहाँ पे ज़्यादा रिसीव कर रहा है, यहाँ पे समान रूप से हर पूरे वर्ष है ना बराबर रिसीव कर रहा है, यहाँ पे कम रिसीव कर रहा है. अगर मान लो कि यही अर्थ, ठीक है, ये जो हमारा अर्थ है, अगर ये इस साइड है और सन यहाँ पे है. ठीक है, कहने का मतलब कि हमारा अर्थ, आप जानते हो कि हमारा अर्थ क्या करता है? सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है. ठीक, तो रिवॉल्यूशन की वजह से जब इसकी परिस्थिति चेंज हो जाती है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए सन है, तो ये सन अब यहाँ पे लाइट तो बराबर फेस कर रहा है. अब यहाँ पे लाइट ज़्यादा रिसीव करेगा, यहाँ पे लाइट कम रिसीव करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डे की लेंथ बड़ी होगी, दिन की लंबाई बड़ी होगी और रात की लंबाई छोटी होगी. तो दिन की लंबाई बड़ी होने की वजह से ये पार्ट सन की एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा. और यहाँ पे सन का लाइट कम कंज्यूम होता है, सोलर एनर्जी कम कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ठंड होगा. ठीक है, तो अब देखिए फिर, आवर अर्थ इज कर्व ऑन देयर एक्सिस एंड द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरियस अकॉर्डिंग टू लेटिट्यूड. ठीक है, लेटिट्यूड के अनुसार हमारा जो अर्थ है वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से सोलर एनर्जी को रिसीव करता है. एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें एनर्जी एयर टेम्परेचर का, तो एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वेटर है. ठीक है, ये हो गया इक्वेटर. ठीक, ये इक्वेटर है. अब इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाते हो आप, ये इस पोल की तरफ जाओ या इस पोल की तरफ जाओ, तो आप क्या देखते हो? ये सन जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लेंटिंग, काफ़ी ज़्यादा लंबी दूरी तय करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सनलाइट का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, सोलर एनर्जी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है. और यहाँ पे ये पार्ट जो है ये सन के सामने है ही नहीं, तो इस पार्ट में क्या होगा? इस पार्ट में अंधेरा होगा और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन होगा. आगे सुनिए, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर कम होगा. ठीक है, अब आप देखिए कि अगर टेम्परेचर यहाँ पे कम, यहाँ का क्लाइमेट कुछ और होगा, है ना. तो कहने का मतलब कि जो क्लाइमेट इफेक्ट है हमारे अर्थ पे वो किसके द्वारा प्रभावित होता है? दैट इज अफेक्टेड बाय द सोलर
एनर्जी. ओके एंड यू नो दैट आवर अर्थ इज इनक्लाइन ऑन देयर एक्सिस 23.5, इट इज कर्व. सो दैट यू नो एवरीवेयर वी आर आवर अर्थ इज नॉट एबल टू गेट इक्वल टेम्परेचर. ठीक है, समान रूप से टेम्परेचर नहीं है, समान रूप से एनर्जी प्राप्त नहीं करता, सोलर एनर्जी प्राप्त नहीं करता, जिसकी वजह से अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार के हमें क्लाइमेट दिखाई देंगे. ठीक है, ओके, नाउ वी शुड नो नेक्स्ट. अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है. नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट. ठीक है, ये एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ? हाइट है ना. आगे समझ में, एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड द एटमोसफियर बिकम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज. ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति एक सर्फेस से, या मान लीजिए कि ये प्लेन एरिया है, इस प्लेन एरिया से जब भी कोई व्यक्ति माउंटेन की तरफ जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर लेस हो जाएगा. यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? लेस होगा. ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? लेस होगा. यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा. ठीक, यहाँ पे टेम्परेचर हाई क्यों होगा? इसका कारण क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर हाई होने का मेन कारण है कि यहाँ पे जो एयर की डेंसिटी होगी, है ना, एयर की जो डेंसिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो एयर की डेंसिटी क्या होती है? कम होती जाती है. आगे समझ, एयर की डेंसिटी कम होती जाती है. तो जब एयर की डेंसिटी कम हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है. ठीक है, अब देखिए नीचे सर्फेस पे टेम्परेचर कितना है? 28 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे हम 1600 मीटर के आसपास पहुंचते हैं तो टेम्परेचर मात्र 18 डिग्री सेल्सियस रह जाता है. तो कहने का मतलब, एज एनी वन विल गो टू द हायर एल्टीट्यूड, ओके, बिकॉज ऑफ द लेस डेंसिटी ऑफ एटमोसफियर द टेम्परेचर विल स्टार्ट टू डिक्रीज. टेम्परेचर क्या होगा? कम होता जाएगा. आगे समझ में, जैसे ही, जैसे मान लीजिए कि आप प्लेन एरिया में रहते हो, लेकिन जब पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है. वो कम होने का कारण क्या है? कि वहाँ पे एयर की डेंसिटी कम होती है. अब जब एयर की डेंसिटी कम होगी तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर एंड विंड. ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि प्रेशर एंड विंड कैसे क्लाइमेट को प्रभावित करता है. ठीक, द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस. ठीक है, दस इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल. ठीक, अब देखिए क्या होता है कि जो प्रेशर और बेल्ट, यानी कि प्रेशर और विंड है, तो किसी भी स्थान पे, है ना, किसी भी एरिया में उस स्थान का एयर प्रेशर और उस स्थान का विंड सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड. ठीक है, अब लैटिट्यूड की बात करते हैं. लैटिट्यूड को समझने के लिए ये ग्लोब ध्यान से देखिए. आप यहाँ पे दिया हुआ है ग्लोब. ठीक है, ये ग्लोब देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि अब देखिए यहाँ पे इक्वेटर है. क्या है? इक्वेटर है. ठीक, यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा रिसीव होता है. ठीक है, अब यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा रिसीव होगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमेशा लो प्रेशर होगा. कौन सा प्रेशर होगा? लो प्रेशर होगा. ठीक है, लेकिन अगर हम पोलर साइड की तरफ जाएं, यहाँ पे हम पहुँचते हैं और यहाँ पे पहुँचते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे सनलाइट क्या होता है? बहुत ही माइनर, यानी सनलाइट यहाँ पहुँचता ही नहीं है. एक मिनिमम सनलाइट यहाँ पहुँचता है, मिनिमम सोलर एनर्जी ये एरिया प्राप्त करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है. तो इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर होगा. ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर. ठीक, आगे समझ में. अब देखो, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, तो जो हवा होती है, मान लीजिए कि यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है. ठीक, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है. ठीक, आगे समझ. तो कहने का मतलब, जहाँ कहीं भी है ना प्रेशर, अगर एयर के प्रेशर, जहाँ कहीं भी एयर का प्रेशर कम होगा, एयर प्रेशर लो होगा, ठीक है, और दूसरे स्थान पे एयर प्रेशर हाई होगा, तो हमेशा हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ चलेगा. ठीक, आगे समझे. और एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें, तो एल्टीट्यूड में क्या होता है, जैसे अगर हम एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कि ये माउंटेन हो गया, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती है, यहाँ पे एयर डेंसिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है? अलग अलग होता है. यहाँ पे क्लाइमेट क्या होगा? यहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट होगा, ठीक है, या हॉट होगा, और यहाँ पे क्लाइमेट क्या होगा? कोल्ड होगा. यहाँ का क्लाइमेट कोल्ड होगा. इसीलिए आप देखिए कि जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन होते हैं, उनके टॉप किससे? आइस के द्वारा
कवर किए जाते हैं या कवर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्नो फॉल होता है जिसकी वजह से आइस के टॉप, किसी भी माउंटेन के टॉप पे आइस डिपॉजिट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन, जैसे मान लीजिए कि ये माउंटेन है, तो यहाँ पे जो भी प्रेसिपिटेशन होगा वो प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होगा, स्नो के फॉर्म में होगा। लेकिन इस प्लेन एरिया में, ये मान लीजिए प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होगा तो किस फॉर्म में होगा, रेन के फॉर्म में होगा। आगे समझे, तो ये डिपेंड करता है कि किसी स्थान का है ना टेम्परेचर कैसा है, और टेम्परेचर के अनुसार वहाँ का प्रेशर चेंज होता है, एयर प्रेशर चेंज होता है, और एयर प्रेशर चेंज होने की वजह से हवाएं एक दूसरे डायरेक्शन की तरफ मूव करती हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है। अब देखिए, द सी एक्सर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। अगर मान लीजिए कि आप किसी समुद्र के किनारे हैं, समुद्र के किनारे जो स्थान है, जैसे मान लीजिए स्थान समुद्र किनारे है, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर कैसा होगा, मॉडरेट होगा, ठीक। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज। और जैसे जैसे यहाँ से आप दूर जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप इस ओशन से दूर जाएंगे, तो जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। कहने का मतलब यहाँ पे अब इस ओशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, एक्सट्रीम, या तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट होगा, ठीक है, या तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा। आगे समझे, तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा। कौन सा क्लाइमेट मिलेगा, मॉडरेट। क्यों? क्योंकि ये स्थान इस ओशन के से, ओशन से प्रभावित होता है। आगे समझ में, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉन्टिनेंटली भी बोलते हैं। अब देखो, इसका एक कारण ये है, जैसे आप देखो यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है, कूल है यहाँ पे वार्म है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट कैसे होता है, तो ये कूल एयर आकर के यहाँ पे इसके टेम्परेचर को क्या कर देता है, मॉडरेट कर देता है। आगे समझ में, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं हो पाता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज ओशन करेंट। देखो, ओशन करेंट बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाता है किस पे, क्लाइमेट पे। आगे समझे, किसी भी स्थान का क्लाइमेट ओशन करेंट से भी प्रभावित होता है। नाउ सी, ओशन करेंट अलॉन्ग विथ ऑनशोर विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया। फॉर एग्जाम्पल, एनी कोस्टल एरिया विथ वार्म और कोल्ड करेंट फ्लोइंग पास, इट विल वार्म और कूल इफ द विंड आर ऑनशोर, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें किसी भी स्थान का, जैसे ये कह रहा है किसी भी स्थान का टेम्परेचर ओशन करेंट से भी प्रभावित होता है। इसका एग्जाम्पल देखने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। ये एरिया देख रहे हो आप, यूरोप का एरिया है, यही पे इंग्लैंड है। यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा लो होता है, ठीक, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन और टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम लैंड पार्ट्स जो हैं वो आइस से कवर होते हैं, है ना, आइस से ढके रहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आइस से ढका हुआ है और यहाँ पे अगर कोई पोर्ट बना दिया जाए, तो क्या वहाँ पे कोई शिप खड़ा हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि शिप खड़ा हो सके। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ से ट्रेड, जो ओशन ट्रेड है वो ठीक से नहीं संचालित हो पाएगा, ठीक। तो यहाँ भी क्या है कि ये ओशन करंट जो आप देख रहे हैं, ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ये हॉट ओशन करंट है, ये ओशन करंट यहाँ पे जाकर के यहाँ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो कोस्टल पार्ट में आइस डिपॉजिट होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे एक नेचुरल पोर्ट उनको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, ये हॉट एरिया में है, ये रीजन हॉट एरिया में है, लेकिन जैसे ही ये एयर यहाँ पहुँचता है, जैसे ही ये ओशन करंट यहाँ पहुँचता है, तो ओशन करंट के पहुँचने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे लोग आसानी से ट्रेडिंग सिस्टम अपना संचालित कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में, अब दूसरा, अगर मान लीजिए हम देखें, जैसे मान लो कि ये एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया, ठीक, ये क्या है, कोल्ड करंट है। आ रहा समझ में, कौन सा करंट है,
कोल्ड करेंट। ठीक है, तो अब मान लीजिए, सॉरी, जैसे मान लीजिए ये कोल्ड करेंट है, ठीक, अब आप ये एरिया देखिए, ये कोल्ड करेंट है, ठीक है, ये कोल्ड करेंट है। अब ये जो एयर कोल्ड करेंट है, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ का टेम्परेचर क्या करेगा, डाउन कर देगा, यहाँ के टेम्परेचर को कम कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओशन करेंट है ना, जैसे एक ओशन करेंट यहाँ पे है पेरू में, एक ओशन करेंट है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पास में, और एक ओशन करेंट यहाँ पे है कोल्ड करेंट। तो ये जो कोल्ड करेंट है ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो यहाँ के टेम्परेचर को कम कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ओशन करेंट आल्सो मेड देयर इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ओके, कहने का मतलब समुद्र के किनारे जो भी एरिया है, जैसे ही वहाँ पे कोल्ड करंट या हॉट करंट पहुँचता है तो वहाँ के टेम्परेचर को या तो डाउन कर देता है या तो बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलीफ, है ना। अब रिलीफ का मतलब क्या होता है, रिलीफ का मतलब होता है अनइवन लैंडफॉर्म। ठीक, आगे समझिए, नाउ सी, रिलीफ प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी भी स्थान के क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है कौन, रिलीफ फीचर, है ना। हाई माउंटेन एक्ट्स एज बैरियर फॉर कोल्ड हॉट विंड। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोल्ड हॉट विंड चल रहा है और ये माउंटेन है, ये माउंटेन क्या करता है, एक बैरियर का काम करता है। मतलब ये जो हवा यहाँ पहुँचती है तो ये इस हवा, ये हवा जो है ये इसको क्रॉस कर नहीं पाती है। आगे समझे, दे आल्सो मे कॉज प्रेसिपिटेशन। अब जैसे मान लीजिए ये हवा यहाँ पहुँची, ये हवा यहाँ पहुँची और इस माउंटेन को फॉलो करते करते ऊपर चढ़ने लगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, है ना, टेम्परेचर लो होगा। जब टेम्परेचर लो होगा तो जो एयर में मॉइस्चर होगा वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, क्लाउड का फॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है, और फिर रेनफॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये एयर इस साइड आएगा, लीवर्ड साइड इसको बोलते हैं, जैसे ही ये इस साइड आएगा तो यहाँ पर रेन शैडो होगा। रेन शैडो का मतलब क्या हुआ, ये हवा जो मॉइस्चर कैरी करके लाती है ये क्लाउड बन जाता है और रेनफॉल हो जाता है। अब रेनफॉल हो गया, अब जब रेनफॉल हो गया तो जब ये हवा से में मॉइस्चर जो था वो कंडेंस हो गया, तो ये मॉइस्चर अब यही बारिश के रूप में गिर गया। ये हवा जब इस साइड आती है तो इसमें मॉइस्चर नहीं होता, ये होती है सूखी हवा, ठीक है, ड्राई एयर। दिस ड्राई एयर विल नॉट मेक एनी काज फॉर द रेन। यहाँ पे जब ड्राई एयर पहुँचेगी तो उससे किसी प्रकार का रेन नहीं होगा। तो इस साइड को क्या बोलेंगे, लीवर्ड साइड बोलते हैं, ठीक है, और इस एरिया को क्या बोलते हैं, रेन साइड एरिया। यहाँ पर बारिश नहीं होती है, यहाँ पर बारिश नहीं होती है। आगे समझ में, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, है ना। भारत का जो क्लाइमेट है उसको प्रभावित करने के कौन कौन से कारण हैं, हम उसके बारे में अब जानेंगे, ठीक है।